दोस्तों भोपाल के एक गांव बरखेड़ा की ये लेडी 2012 में स्टडी के लिए अमेरिका चली गई। यहां स्टडी कंप्लीट करने के बाद इसे बढ़िया पैकेज पर जॉब भी ऑफर हुई, लेकिन इसने उस जॉब को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि इस लड़की के पापा चाहते थे कि वो अपने गांव में रहकर अपने गांव का नाम रोशन करे। उसके पापा के इस ड्रीम को पूरे करने के लिए ये बेटी अमेरिका से वापस अपने गाँव लौट आई। वापस लौटने के बाद इसने लेडीज को डोमेस्टिक वायलेंस से बचाने का काम किया। इसी बीच गाँव में सरपंच पद के इलेक्शन हुए, इस लड़की ने भी इलेक्शन लड़ा और पूरे गाँव वालों के सपोर्ट से अपने गाँव की फर्स्ट लेडी सरपंच बन गई। दोस्तों 25 साल की एज में ये लड़की सरपंच बन गई। सरपंच बनते ही इसने गांव के प्रोग्रेस के लिए काम करना शुरू कर दिया। उसने जस्ट 10 मंथ में गांव के प्रोग्रेस में 1.25 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और गांव में नई सड़कें और शौचालय बनवा दिए। इतना ही नहीं दोस्तों, इस लेडी सरपंच ने गांव के करीब 80% मकान पक्के करवा दिए। दोस्तों इस लड़की का नाम है भक्ति शर्मा। इस लड़की की सोच आपको कैसी लगी कॉमेंट करके बताएं। इसी तरह के इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। मिलता हूं अगले।